झाबुआ में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जय घोष गूंजा। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया। शहर में कांग्रेस के स्थापना दिवस अवसर पर जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और शहर कांग्रेस सहित सभी अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों ने फव्वारा चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस की रीति और नीति को लेकर जयघोष किया। राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित कांग्रेस की विचारधारा को नमन करने और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा ने कहा कि 136 वर्ष पूर्व कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, जो पूरे देश में धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में जानी जाती है। देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस के महान पुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस संभागीय प्रवक्ता साबिर फिटवेल ने भी संबोधित किया। कार्यवाहक जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेमचंद डामोर ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद को अपनी निजी संपत्ति बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। स्थापना दिवस पर जितेंद्र अग्निहोत्री, देवसी भूरिया, माना भाई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जहाँ महात्मा गांधी जी के पर माल्यार्पण कर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज से 136 साल पहले हमारे ओएम ह्यूम और एन ए किशन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसी क्रमान में कांग्रेस पार्टी के महात्मा गांधी जी, उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और आज हम सब एक फिरकाप्रस्त ताकत से लड़ने के लिए हम सब एकजुट रहे। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को हमेशा लड़ती रहेगी। इसी बीच हम आज सब एकत्र हुए और स्थापना दिवस धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।